अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को और प्यारे से व्यूवर्स को और प्यारे से सब्सक्राइबर्स को कुकिंग विद आमना की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक तिक्का मसाला की रेसिपी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले उबले हुए अंडे जिनको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अभी हम इनको कट करेंगे एक राउंड शेप में। यहाँ पे एक कटिंग बोर्ड के ऊपर हम अंडों की जो जितने भी हमने अंडे बॉईल किए हैं उनकी हम राउंड शेप में कटिंग करेंगे इस तरह। ठीक है, इसी तरह हम सारे अंडों को इसी तरह हम कट कर लेंगे। अंडों को हमने कट करके रख लिया है तो अभी हम करते हैं अपनी कुकिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हाफ कप हम यहाँ पर लेंगे ऑयल। ऑयल में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जो है हम शामिल करेंगे ज़ीरा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। लाइट सा फ्राई करने के बाद अभी हम शामिल करेंगे इसमें चॉप किया हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, इसको शामिल करेंगे। लाइट सा फ्राई करेंगे इसको अच्छे से। ज़ीरे को और प्याज को अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। लाइट सा हम गोल्डन सा कलर देंगे इसको। लाइट सा गोल्डन कलर देने के बाद अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये शामिल कर देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट वो कच्चापन है वो भी अच्छे से फिनिश हो जाए। लहसुन का कच्चापन फिनिश करने के बाद अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है हल्दी 1/2 स्पून, 1 स्पून मैंने नमक, साथ में मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून और साथ में ये मैंने तिक्का मसाला लिया है 1 स्पून। ये शामिल करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारे जो हमने स्पाइसी शामिल किए हैं मसाले वो जले नहीं। अभी हम दूसरा मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे हम मसाला रेडी करेंगे जिसमें मैंने लिया है टमाटर, धनिया और हरी मिर्च। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसके अंदर अपने जो मसाला हमने रेडी किया है उसके अंदर हम शामिल करेंगे। जो आप देख सकते हैं अच्छे से जो ऑयल भी है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे पूरी ग्रेवी अच्छे से। हम इसकी ग्रेवी को रेडी कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हमारी प्यारी सी ग्रेवी बन चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कटोरी जो है वो हम शामिल करेंगे योगर्ट, दही ये शामिल करेंगे और अच्छे से इसको कुक करेंगे बिल्कुल लाइट फ्लेम पर। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी हमारी एग टिक्का की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर किया करें, रेसिपी को लाइक कर दिया करें। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो उबले हुए अंडे जो हमने कट करके रखे थे। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे कट किए हुए। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी तकरीबन 1/2 स्पून ये शामिल करेंगे। अच्छे से आपने हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करना है ताकि जो आपके अंडे हैं वो मज़ीद ख़राब ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल लाइट हैंड से। ग्रेवी के साथ हम 5 मिनट तक अंडों को अच्छे से कुक करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारा एग टिक्का मसाला की रेसिपी बनेगी। चिकन को आप भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी है हमारा जो एग टिक्का हमारा जो रेडी होगा। 5 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम इसका ढक्कन हटाते हैं। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। तो आप नमक मिर्च आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से। अच्छे से हम धनिया के साथ इसको मिक्स करेंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक फॉल पेपर और अच्छे से हम देंगे एक कोयले का धुआं, स्मोक करेंगे अपनी इस रेसिपी को ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ। अभी हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हल्का सा हम ऑयल शामिल करेंगे इसके ऊपर और देंगे इसके ऊपर ढक्कन। ढक्कन के साथ इसको हम डांप देंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सा अपना एग टिक्का मसाला ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम निकालेंगे इसको जो हमने स्मोक किया था, कोयले को हम अलग कर लेंगे। ज़बरदस्त से बहुत ही टेस्टी हमारा एग टिक्का रेडी है।
फ्लेम हमने नीचे से ऑफ कर दिया है। तो करेंगे अभी हम इसको डिश आउट करेंगे हम इसको एग थिकर को। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी चिकन को आप भूल जाएंगे इस रेसिपी को बनाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी एग टिक्का मसाला की रेसिपी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी एग टिक्का मसाला की रेसिपी कैसी लगी। आप इसको रोटी, नान, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये वो रेसिपी है जिसको आप खा के बोलोगे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई और इजी रेसिपी के साथ। कुकिंग विद आमना को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।